हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल स्टूडेंट सूची सूची पर। जैसा कि हम लोग आज हम लोग UPB की सिलेबस की वीडियो में देखेंगे क्या UPB का सिलेबस है 2024 का, कैसे पिछले प्रश्नों में किस किस से टॉपिक से बेटा हमारे प्रश्न आए थे। उसे हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में इस बार मतलब पिछली बार भी कई अध्याय से प्रश्न आए थे, किस किस टॉपिक के बेटा प्रश्न आए थे उनके विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले से टॉपिक हम लोग का है वो हमारा है इतिहास। जो बेटा हमारा है इतिहास है, इतिहास बेटा हमारे तीन टॉपिक इतिहास के कौन कौन से देखा जाए तो हमारा है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास और हमारा आधुनिक भारत इतिहास है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की बात करते हैं बेटा, इसमें आ रहा हमारा क्या रहा है, वैदिक सभ्यता आ रहा है, महाजनपद काल है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म आ रहा है, मौर्य साम्राज्य आ रहा है, शक एवं कुषाण वंश आ रहा है, गुप्त साम्राज्य आ रहा है, गुप्तोत्तर साम्राज्य आ रहा है, पाल एवं चौल वंश आ रहा है। बेटा हमारा अंत में देखा जाए तो पाल एवं चौल वंश बेटा ये जो हमारे लिए टॉपिक कौन कौन हमारे वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, शक एवं कुषाण वंश, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य, पाल एवं चौल वंश बेटा ये हमारा है प्राचीन भारत का इतिहास। बेटा हमारा है बेटा ये टॉपिक हमारा है प्राचीन भारत का इतिहास है। अब हम देखेंगे मध्य भारत इतिहास में क्या क्या टॉपिक हमारे आ रहे हैं। जैसे हमारा मध्य इतिहास में क्या क्या है, मध्यकालीन बेटा भारत हमारा आ रहा है। सबसे पहले हमारा है प्रांतीय राज, क्या हमारा है प्रांतीय राज के बारे में आ रहा है। फिर बात करें क्या आता है हमारा सल्तनत काल आ रहा है, फिर राजपूत युग आ रहा है, मुगल साम्राज्य आ रहा है, मराठा साम्राज्य आ रहा है, सूफी संत आ रहा है, सिख धर्म आ रहा है, अंग्रेजों का आगमन आ रहा है। मतलब बेटा ये वो टॉपिक है जिनमें पिछले सन 2008 से लेकर सन 2023 तक बेटा जितने भी एग्जाम बेटा हुए हैं UPB उत्तर प्रदेश के संबंधित तो हमारे एग्जाम जितने हुए हैं बेटा सभी बेटा हम लोगों ने निचोड़ निकाला है किन किन टॉपिक बेटा प्रश्न पूछा जा रहा है मध्य भारत काल इतिहास में उनके बेटा ये नाम रहे। अब हम देखेंगे आधुनिक काल भारत में क्या क्या दिखवा रहा है, ठीक है। आधुनिक काल बेटा भारत आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है वो हमारा है 1857 की क्रांति, फिर हमारा है सामाजिक सुधार, फिर हम लोग का रहा है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विकास क्या हमारे हुए वो आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आ रहा है, आंदोलन जितने भी आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के समय बेटा वो आ रहे हैं, भारतीय प्रेस आ रहा है, गांधी युग आ रहा है बेटा गांधी युग विशेषकर पढ़ लेना गांधी युग काफी आ रहा है। उसके बाद क्या कहेगा भारत का विभाजन आ रहा है। अब बेटा क्या भारत के स्वतंत्रता के समय जो प्रमुख गवर्नर हुए भारत के ब्रिटिश काल में जो प्रमुख गवर्नर थे उनको जो पढ़ लेना बेटा उनसे भी काफी प्रश्न हमारे आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये हमारे क्या थे, ये हम लोग कहें आधुनिक इतिहास भारत मतलब आधुनिक भारत बेटा जो टॉपिक है उन्हें बेटा ये प्रमुख टॉपिक जिनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम लोग आगे बात करते हैं जो टॉपिक की बेटा वो हमारा आ रहा है विश्व भूगोल, हमारा क्या है बेटा वो हम लोग का है विश्व भूगोल है। अगर हम लोग विश्व भूगोल की बात करते हैं बेटा सबसे पहले आ रहा है सौर मंडल आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल पूछे जा रहे हैं, प्रमुख स्थल कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बेटा वो पूछे जा रहे हैं। बात करें क्या बताता है स्थल मंडल आ रहा है, मृदा आ रहा है, खनिज है, वायुमंडल है, विश्व वन आ रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ रहा है, मरुस्थल आ रहा है और ऊर्जा स्रोत बेटा क्या हमारे टॉपिक बेटा है ऊर्जा स्रोत बेटा ये जो टॉपिक है ये विश्व भूगोल टॉपिक है बेटा ये हमारी विश्व भूगोल टॉपिक है वो टॉपिक है जो पिछले कई साल के प्रश्नों बेटा पूछे गए टॉपिक है। अब हम बेटा देखेंगे आगे देखेंगे भारत के भूगोल, देखो अगर हम बात करते हैं भारत भूगोल बात करते हैं बेटा उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है राज एवं केंद्र शासित प्रदेश, क्या हमारा है राज एवं केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद बात करते हैं क्या हमारा है तो भारतीय द्वीप आ रहा है, जल संधियां हैं बेटा भारतीय जल संधियां जिस देश के सापेक्ष है बेटा वो आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है भारत के प्रमुख दर्रे हैं, पर्वत हैं, चोटियां आ रहा है, भारत की प्रमुख नदियां आ रहा है गंगा जल, क्या हमारा बेटा भारत के प्रमुख झीलें हैं जो आ रहे हैं और क्या नहीं कृषि आ रहा है, खनिज भारत के जो खनिज हमारे हैं खनिज खदान बेटा वो भी आ रहे हैं और भारत के जो प्रमुख उद्योग बेटा वो आ रहे हैं, किस स्थान बेटा भारत के किस उद्योग में किसमें कौन सा स्थान है वो आ रहा है, प्रमुख स्थल भारत में जो है वो पूछा जा रहा है और क्या बता रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बेटा वही प्रश्न पिछले कई प्रश्न पूछे गए हैं। सन 2000 जनगणना के अनुसार जो बेटा हमारी जनगणना हुई थी उसे संबंधित पिछले कई बार प्रश्न पूछे गए, ठीक है। नहीं ये बेटा हमारा क्या है तो ये हम लोग का है भारत का भूगोल, ये बेटा भारत के भूगोल के वो टॉपिक्स हैं जो पिछले कई साल के प्रश्नों में बहुत ज्यादा इन टॉपिक बेटा प्रश्न उठाए गए हैं, ये वही टॉपिक, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम उधर
बेटा हमारा है अर्थशास्त्र। क्या हम लोग का है बेटा, हम लोग का अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र है। अब देखो अर्थशास्त्र में क्या रहा करेंगे बेटा, हमारा पहला पॉइंट है बैंकिंग। बेटा क्या हम लोग का है, बैंकिंग आ रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आ रहा है, स्टॉक मार्केट प्रश्न आ रहा है, फिर बात करते हैं बेरोजगारी प्रश्न आ रहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आ रहा है, क्या रहा है ग्रामीण बैंक से आ रहा है। ठीक बेटा, स्टॉक मार्केट से बेटा काफी प्रश्न पूछे गए हैं, बात करते हैं बेरोजगारी का भी प्रश्न पूछा गया है, ग्रामीण बैंक संबंध का भी प्रश्न पूछे गए हैं, पहले देखा जाए पेपरों में। तो बेटा ये क्या है, हमारे अर्थशास्त्र के वो टॉपिक है जिनसे पिछले कई पेपर सालों पेपर में बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है नहीं, अगर हम बात करते हैं आगे की तो हम लोग बताता है संविधान, क्या हम लोग बताता है संविधान आता है, उस संविधान में वो क्या क्या पूछा गया। पहला पॉइंट संविधान का है, संविधान की पृष्ठभूमि क्या थी, बताइए बहुत इसमें से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं क्या हम लोग संविधान स्रोत से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं जिसके भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, किससे बात करते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से काफी प्रश्न उठाए गए। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग आता है मौलिक अधिकार से भी कई प्रश्न बनाए गए हैं। उसके बाद क्या हम लोग करता है राजनीति स्वतंत्रता है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद क्या हम लोग करता है लोकसभा एवं राज्यसभा से कई प्रश्न उठाए गए हैं। उसके बाद क्या हमारा आता है राष्ट्रपति आता है एवं उपराष्ट्रपति आता है, ये भी ध्यान रखना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बेटा बहुत पूछा गया है। करंट अकाउंट बेटा ये भी पूछा गया है। लोकसभा राज्यसभा में वर्तमान समय में कौन इसके लाउड स्पीकर बेटा भी पूछा गया है। बात करते हैं किसके हम लोग प्रमुख अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, ये भी कई बार पूछी गई है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। बात करते हैं किसके हम लोग संविधान संशोधन के, तो किस समय कौन सा संशोधन हुआ है इसकी विषय संविधान में बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं। बात करते हैं उसके बाद हम इसकी गैर संवैधानिक संस्थाएं बेटा, जो संस्थाएं हमारी है जो गैर संवैधानिक है उनसे बेटा बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं, उनके कौन ब्रांड निष्ठान है इससे भी प्रश्न उठाए गए हैं। बात करेंगे इसके हम मानवाधिकार से, बात करते हैं बात करते हैं मानवाधिकार के बेटा, तो मानवाधिकार से संबंधित अनुच्छेद बेटा है उससे हमारे कई प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है नहीं, अगर हम बात करते हैं किसके भौतिक विज्ञान की बात करते हैं बेटा, भौतिक विज्ञान हम लोग उठाया गया है, दर्पण बेटा प्रश्न आए हैं, प्रकाश बेटा हमारे कई प्रश्न आए हैं। बात करें गत से बेटा, तो गत से भी कई प्रश्न आए हैं, गत के नियम भी कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद क्या करते हैं मुझे बात करते हैं ध्वनि के बेटा, ध्वनि से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं और धन से बेटा क्या गया है कई प्रश्न बनाए गए। ठीक है नहीं, ध्वनि का मात्रा के बाद पूछा गया है। अब बात करते हैं मात्रों की, क्योंकि बेटा दोनों प्रकार के मात्रा पूछे गए हैं, मूल मात्रा के व्युत्पन्न मात्रा बेटा, और हमारे कौन से राशि जितने भी राशि बेटे होते हैं उनके बेटा के मात्रा काफी पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग प्रमुख आविष्कार के, तो बेटा भौतिक विज्ञान में जितने भी प्रमुख आविष्कार हुए हैं उनसे बेटा बहुत प्रश्न उठाए गए। ठीक है नहीं, इस बेटा इन टॉपिकों में भौतिक विज्ञान के गौर कर लेना तो बेटा इनसे काफी प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है नहीं बेटा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान में, बात करते हैं रसायन विज्ञान में बेटा प्रमुख टॉपिक क्या हमारा है बेटा, हमारा सबसे पहला जो पूछा गया है विलयता के बारे में, विलय विधायक और बेटा हमारे विलयता के बारे में, इसमें विलयता बेटा हमारा वो भी आया गया है, ध्यान रखना इसी बेटा हम लोगों को राडी विलय भी काफी पूछा गया है। इसके बाद क्या करते हैं बात करते हैं धातु धात बेटा, बात पूछा गया है धातु धात संबंधी काफी बेटा प्रश्न उठाया गया। ठीक है नहीं बेटा, धातु धात में ये भी पूछा गया कौन सी धातु कहाँ पर रखे गए और सारणी में आधार कहाँ पर रखे गए, उपधातु से बेटा इसमें प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना उपधान विधायक प्रश्न। उसके बाद बात करते हैं अणु संरचना बेटा, बात करते हैं बेटा अणु संरचना में काफी प्रश्न उठाया गया। ठीक है नहीं, आयतन खोज किसने की, ठीक है नहीं, प्रोटॉन खोज कैसे हुई, इसके बेटा इनसे संबंधित काफी बेटा प्रश्न में पूछे गए। ठीक है नहीं बेटा, उसके बाद बात करते हैं हम लोग पॉलीमर रसायन की, बात करते हैं बेटा तो बेटा पॉलीमर रसायन से भी काफी बेटा बहुलक बेटा काफी प्रश्न इसमें पूछे गए। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं हम लोग संयोजकता बेटा, बात करते हैं तो बेटा संयोजकता भी काफी प्रश्न कई बार पूछे गए क्वेश्चन बेटा। उसके बाद किस बात करते बात करते हैं अम्ल बेटा हम क्षार की बात करते हैं, अम्ल क्षार बेटा और लवण क्या बेटा हमारे, अम्ल क्षार लवण और बेटा हमारे क्या सूचक बेटा, क्या दे रखे हैं अम्ल क्षार लवण और सूचक बेटा, काफी प्रश्न हमारे प्रश्न कई बेटा पिछले कई प्रश्न सालों में बहुत बेटा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा करेंगे। आगे बेटा अगर हम बात करते हैं किसकी जीव विज्ञान में, हम लोग बात करते हैं बेटा जीव विज्ञान में पूछा गया हमारा मानव शरीर से बेटा संबंधित कई प्रश्न आते हैं। ठीक है नहीं बेटा, मानव शरीर से बेटा जितने मानव ज्ञान है सभी बेटा पढ़ लेना। ठीक है नहीं, सभी कार्य विद्या बेटा और सभी क्या सभी के कई अध्ययन पढ़ लेना। ठीक है, इससे काफी प्रश्न पूछे गए हैं। बात करते हैं कोशिका की बेटा, कोशिका से बहुत प्रश्न उठाए गए हैं, कोशिका खोज कब हुई, कोशिका बेटा जितने संबंधित बेटे भाग उसके इससे भी बेटा प्रश्न पूछेगा। ठीक है नहीं, बात करते हैं बेटा क्या रक्त समूह, तो रक्त समूह किसने खोजा बेटा। ठीक है नहीं, और बेटा जितने बेटा समूह हैं उनसे बेटा सभी से बेटा पूछा गया। ठीक है ना बेटा, उसके बाद से बात करते हैं हम लोग निशेषण की, बात करते हैं बेटा तो निशेषण भी प्रश्न उठाए गए हैं, और बेटा कहाँ उठाए गए हैं जीवाणु बेटा बहुत प्रश्न उठाए गए हैं,
अपने जीवाणु सब बेटा जीवाणु हम लोग क्या पढ़ लेंगे, जीवाणु संबंधित बीमारियां पढ़ लेंगे बेटा, विषाणु भी पढ़ लेंगे, क्या बेटा पढ़ लेना विषाणु पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना बेटा हमारी बीमारियां बेटा, बीमारियां ध्यान रखना बीमारियां बेटा, जितने भी बीमारियां होती है जीवाणु से विषाणु से प्रोटोजोआ से ठीक है कवक से ठीक है फंगाई बेटा सभी पढ़ लेते हैं बेटा, बीमारियां में सभी बेटा पूछा गया ध्यान रखना ठीक है। इसको क्या बेटा हमारा है हम लोग कहते हैं विटामिन तो बेटा विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के ठीक है ना बेटा, जितनी बेटा विटामिन होती है उनके स्रोत क्या हो रहे हैं बेटा, उनसे लाभ क्या ठीक है ना, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है ठीक है नहीं बेटा, ये सभी बोले विटामिन बेटा सारे इसमें से पूछे गए हैं बेटा। इधर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा हमारा आता है क्या उत्तर प्रदेश आता है बेटा, उत्तर प्रदेश बेटा पूछा गया हम लोग का उत्तर प्रदेश समान ज्ञान आया है, उत्तर प्रदेश समसमय की पूछी गई है, उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली क्या बेटा वो पूछा गया है बेटा, उत्तर प्रदेश के विशेष क्या थे बेटा वो भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का बेटा हमारा प्रथम एवं छोटा एवं बड़ा क्या बेटा ये भी खूब पूछा गया ठीक है ना बेटा, छोटा एवं बड़ा बेटा भारत का भी पढ़ लेना ठीक है बेटा, ये भी पूछा गया था ठीक है। इसमें आगे हम बात करते हैं गौर करें हम लोग गौर करेंगे बेटा, हमारा सिलेबस आता है समान हिंदी का है बेटा, वो हमारा आता है समान हिंदी का। अगर तो हम लोग समान हिंदी बात करते हैं बेटा, सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्या वर्णमाला एवं वर्तनी बेटा, हम लोग का संधि समास में हम लोग क्या टॉपिक बेटा हमारा है उपसर्ग प्रत्यय है क्योंकि हम लोग का है कारक विभक्ति बहुत पूछी गई है, क्या बेटा हमारे हैं शुद्ध एवं अशुद्ध क्या बेटा हमारे हैं शुद्ध एवं अशुद्ध बेटा बहुत पूछा गया, फिर क्या बेटा हमारा है लिंग वचन है लिंग वचन का बेटा प्रश्न पूछे जाते हैं, संज्ञा बेटा हमारी खूब पूछी गई है, हमारा टॉपिक है सर्वनाम बेटा बेटा बात करें सर्वनाम का, सर्वनाम खूब पूछा गया पहचानने के लिए सर्वनाम इसमें कौन सा बिल्कुल पूछा गया है बेटा, क्रिया विशेषण पहचानने के लिए खूब आया है, वाच बेटा खूब पूछा गया है, मुहावरे लोकपतियाँ भी बेटा काफी रखाए गए हैं, बात करते हैं बेटा काल की बेटा काल से भी रखाए गए हैं, विराम से बेटा पहचानने के लिए बहुत से प्रश्न आते हैं, पर्यावाच बेटा बताना रहे कौन से हैं, विलोम बेटा प्रश्न बता रहे कौन सा टॉपिक बेटा आया है, एनाकार्तिक शब्द बेटा हमारे हैं क्या बेटा हमारे वाकाल से बेटा हमारे शब्द भी पूछा गया है, क्या बेटा मतलब है तद्भो दसम शब्द को पूछे गए कौन बेटा तद्भोज का क्या होगा इसका दसम क्या होगा, रस छंद अलंकार इससे भी प्रश्न उठाए गए हैं बेटा, रस छंद अलंकार स्थायी भाव को पढ़ लेना भी पूछा गया है, फिर बेटा हमारा क्या आता है साहित्यिक लेखन बेटा खूब पूछा गया है बेटा, इसमें रखना है बेटा क्या रखना साहित्यिक लेखन बेटा हम लोग उस टाइम विशेष कर लेंगे जो मेन मेन प्रश्न है फेमस होना ठीक है नहीं, ध्यान रखना हमको ध्यान रखना उसमें क्या होता है हमारा है अनुच्छेद एवं पुरस्कार बेटा, बेटा जो ये अनुच्छेद एवं पुरस्कार बेटा है बेटा ये हमारा है हिंदी से हमारा बेटा है तो ये हम लोग का है हिंदी से बेटा है बेटा, इससे भी काफी प्रश्न हमारे उठाए गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग बात करते हैं गणित की धारणा बेटा, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले सन 2008 से अब तक में बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं बेटा, वही टॉपिक जो हमने यूपी पी के बेटा सिलेबस हम लोगों ने नोट किया है बेटा। अगला हमारा टॉपिक क्या है बेटा, हम लोग का टॉपिक है संख्या पद्धति मैच आ रहा है, समीकरण आ रहा है, दिन एवं संभव भिन्न आ रहा है, लासा एवं मासा आ रहा है, साझेदारी आ रही है, सत्ता आ रहा है, बट्टा एवं छूट आ रहा है, साधारण एवं चक्करधर बेटा हमारा आ रहा है, कार्य एवं समय आ रहा है, समय दूरी और चाल आ रहा है, लाभ हानि आ रहा है, अनुपात समानुपात आ रहा है, औसत बेटा प्रश्न आ रहे हमारे, आयु संबंध बेटा प्रश्न आ रहे हैं लिखा है आंकड़ों की व्याकरण बेटा प्रश्न आ रहे हमारे, छेद गति से आ रहा है, अंकगणित संगणना और विशेषात्मक बेटा कार्य है इससे बेटा प्रश्न बहुत आ रहे हैं बेटा, खास कर ध्यान रखना क्या हम लोग वो करेंगे सरलीकरण क्या हमारा सरलीकरण क्या बेटा हमारा लाभ हानि और क्या बात के साधारण चक्कर बार बेटा प्रसन्नता इनसे बेटा इनसे बेटा बहुत ज्यादा प्रश्न उठाए गए घटना बेटा हमारे इससे प्रश्न उठाया गया हमारे देखा जाए तो अनुपात समान पास में उनको प्रश्न उठाए गए हैं, वैसे बेटा बात किया जाए तो सभी टॉपिक से अधिकतर प्रश्न उठाए जाते हैं तो बेटा इन टॉपिकों से विशेषकर काफी प्रश्न उठाए गए हैं। अगर हम बेटा बात करते हैं इसकी बेटा हम लोग बात करते सबकी रीजनिंग की बात करते हैं बेटा, इससे पहले क्या हमारा है बेटा हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है बेटा, अंग्रेजी वर्ड माना बेटा क्या हमारा आता है शब्दों को मिलाना है ना कोडिंग करना उसके आया है, संकेतिक भाषा परीक्षण आया हुआ है, सदस्य परीक्षण आया हमारा हुआ है, वर्गीकरण आया है, रक्त संबंध बेटा हमेशा एक दो प्रश्न रहते हैं सिलेबस में ठीक है नहीं, दिशा परीक्षण बेटा हमारे प्रश्न हमेशा एक दो रहेंगे, शेरी परीक्षण बेटा इसी भी प्रश्न रहेंगे हमारे, संकलन क्षमता संकलन क्षमता हमारा संकलन बेटा हमारा गति संकलन भी आता है और हमारा उबर संकलन भी आता है ठीक है नहीं, पासा घन एवं बेटा घना भी खूब आया है, बात करते हैं हमारे वन अनेक एवं नाय संकल्प बेटा इससे प्रश्न उठाए गए हैं, घड़ी एवं कैलेंडर बेटा इससे प्रश्न हमेशा रहता है एक या दो। अगर हम बेटा बात करते हैं किसके अंगार्थी तर्क शब्द जो बात करते हैं अंगार्थी तर्क शब्द इससे प्रश्न उठाए गए हैं, अगर हम बात करते हैं इसके बेटा हमारे इनपुट एवं आउटपुट बेटा इससे भी प्रश्न उठाए गए हैं, अगर हम बात करते हैं लास्ट तुम्हारा क्या बेटा हमारा है बेटा वो हमारा है आभासी तर्क क्या बेटा हमारा है बेटा वो हमारा है आभासी तर्क शक्ति है। अगर हम
बेटा बात करते हैं सिलेबस में, बेटा सबसे अधिक क्या पूछा रहा है, तो बेटा इसमें सबसे अधिक अगर गौर करते हैं हम लोग तो बेटा हमारा रीजनिंग और हिंदी में पूछा जा रहा है। क्या बेटा पूछा रहा है बेटा, वो हम लोग का है रीजनिंग में हिंदी पूछा जा रहा है। बेटा अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो बेटा मैथ के कल 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। अब बेटा हमारे क्या रहेगा बेटा, इस पेपर में हम लोगों के कुल है 150 प्रश्न। बेटा हमारे प्रश्न बेटा हमारा है कुल हम लोग को 150 प्रश्न है। कितने बेटा हमारे प्रश्न है बेटा, हम लोग कुल 150 प्रश्न है, जिनको कितना समय हमें मिलेगा, जिनको हमको सॉल्व करने को मिलेगा 2 घंटे समय मिलेगा। बेटा हमको सॉल्व करने को मिलेगा इसमें 2 घंटा। बेटा हमको 150 प्रश्न करने रहेंगे बेटा। सब लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे कि हम लोग कम से कम बेटा क्या करें, गलत प्रश्न बेटा ठीक करें। क्योंकि बेटा इस बार क्या है बेटा, इस बार जो माइनस मार्किंग के बेटा है, तो बेटा वो हमारी माइनस मार्किंग है 0.3 हमारी है बेटा। 18 बेटा हमारी 1/2 क्या बेटा हम लोग के है माइनस मार्किंग है। अगर 18 बेटा अगर हम बेटा एक क्वेश्चन सही करते हैं, तो बेटा हम लोग क्या कराते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग गलत कर जाते हैं बेटा, हमारा सब्सक्रिप्ट क्या हो जाएगा, वो भी बेटा उसमें गलत माना जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हमारा वो भी क्या जाएगा माइनस मार्किंग में कट जाएगा, ठीक है नहीं बेटा। इसमें सभी लोग गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे, कम से कम गलत प्रश्न बेटा ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक सही प्रश्नों पर ही ठीक है, ठीक है नहीं। जो प्रश्न बेटा आ रहे हों उनको बिल्कुल अवश्य करें, ठीक है ना, उनको छोड़े कभी ना। क्योंकि बेटा अगर हम छोड़ देते आते हैं प्रश्न बेटा, तो हमको बेटा कई गुना घाटा है, ठीक है ना बेटा। इस पर ध्यान रखकर बेटा प्रश्न हम लगा पाते हैं, उनको जरूर सॉल्व करें। उसके बाद सब लोग गौर करेंगे, गौर करेंगे बेटा। हम लोग को जो क्लासेज हैं बहुत ही जल्द बेटा हम लोग क्या करेंगे, यूपी पे के बेटा सारी क्लासेज चालू कर देंगे, जिससे आप सभी को बेटा पूरा सिलेबस क्या बेटा करेंगे बेटा, पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे महामैराथन क्लास स्टार्ट करें, महामैराथन क्लास पढ़ा के हम लोग क्या करें पूरा सिलेबस बेटा जल्द से जल्द पढ़ा सके, ठीक है ना। इसके बेटा तैयारी चल रही है बहुत जल्द, हम लोग क्या करेंगे यूट्यूब पर सारी क्लास आपकी अवेलेबल करा देंगे। तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।